का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को लेकर के रामचंद्र जांगड़ा बोले कि धरने पर सिर्फ कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, धरने का हो चुका है राजनीतिकरण, खिलाड़ियों को नहीं होना चाहिए राजनीति का शिकार, राजनीतिकरण हो चुका है इस धरने का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये कहा है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने। ये बड़ी बात कही है खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन को लेकर के। राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा और उनका ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण हो चुका है इस धरने प्रदर्शन का, खिलाड़ियों को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही है कि खिलाड़ी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। ये बड़ी खबर, खिलाड़ियों को नहीं होना चाहिए राजनीति का शिकार। रामचंद्र जांगड़ा ने खिलाड़ियों को ये सलाह दी है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का ये बड़ा बयान सामने आया। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहलवान जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यौन उत्पीड़न का आरोप उन पर है, पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जा चुका है, FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी न होने को लेकर के एक तरफ सवाल उठ रहे हैं और 28 तारीख की तैयारी कर रहे हैं खिलाड़ी। 28 तारीख को नए संसद भवन के सामने महिलाओं की महापंचायत वहां पर होगी और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका समर्थन मिल रहा है, किसान संगठनों का समर्थन मिल रहा है खिलाड़ियों को, खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो धरना अब वहां पर राजनीतिकरण हो चुका है धरने प्रदर्शन का, जिसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। ये बड़ी बातें कही हैं रामचंद्र जांगड़ा ने। देखिए, इसमें जो है जैसा हमने देखा है वो कांग्रेस के लोग उनके बीच में जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जा रहा है। इसका खिलाड़ियों का राजनीतिकरण हो चुका है और खिलाड़ी पूरे देश की धरोहर होते हैं, खिलाड़ी हो या सैनिक हो, सैनिक पूरे देश के लिए लड़ता है, खिलाड़ी पूरे देश के लिए खेलता है, तो उसमें राजनीति का शिकार उनको नहीं होना चाहिए। अगर उनकी कोई जायज मांगे हैं तो ब्रजभूषण जी भी कह चुके हैं, सरकार भी कह चुके हैं, हम सारी चीजों की जांच करवा देंगे और जो दोषी होगा तो उसको सजा मिल जाएगी, लेकिन वहां जंतर मंतर पर बैठ के प्रचार प्राप्त करना मैं इसको अच्छा नहीं मानता। और इसी पर और ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। केवल ढींगरा हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं केवल ढींगरा जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जांगड़ा साहब ने एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा किया है कि राजनीतिकरण हो चुका है धरने प्रदर्शन का, क्या कहेंगे? क्या सिर्फ वहां पर कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं धरना प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए? देखिए, अगर मगर से काम नहीं चलते, काम ये जो खिलाड़ी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इनको समर्थन सिर्फ कांग्रेस का प्राप्त नहीं है, इनको समर्थन एडवोकेट्स का भी है, इनको समर्थन खापों का भी है, इनको समर्थन किसानों का भी है, इनको समर्थन कौन सा वर्ग ऐसा है जिसका समर्थन नहीं है इनको? ये अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस का समर्थन है? और जब समर्थन सब लोगों को है और वो चार्जेस क्या है? चार्जेस है यौन शोषण के, चार्जेस है उसको एक्ट जज पे लगता है और वो भी 18 साल से कम बच्चियों के। इस तरह की अगर FIR दर्ज होती है तो उसमें भाजपा कहाँ खड़ी है, उसमें ये राज्यसभा के MP कहाँ खड़े हैं? ये देखने की बात है कि ये यौन शोषण के लोगों के साथ खड़े हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके साथ खड़े हैं। जांगड़ा जी से ये पूछना चाहिए था आपको कि आप किसके साथ खड़े हो? आप उन लोगों के साथ खड़े हो? बिल्कुल, बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी, क्या कहेंगे सर? उनसे तो जानेंगे, जांगड़ा जी से जानना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल, ये बड़ी खबर नहीं है। ये खबर जो है बहुत ही गलत खबर है कि भाजपा के लोग जो है वो यौन शोषण वाले जो MP हैं बीजेपी के 6 बार के उनके साथ खड़े हैं, और ये जो जांगड़ा जी है ये भी ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़े हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। वीरेंद्र चौहान जी, क्या बीजेपी बचा रही है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को? वीरेंद्र चौहान जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? आपको मेरी ऑडियो मिल रहा है? जी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेताओं को दिखे न दिखे, ये माने न माने,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ खड़ी है, सत्य के साथ खड़ी है, पहले दिन से खड़ी है, और जब तक इस मामले का मुकदमे का निपटारा होकर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, हम शिकायतकर्ताओं के साथ भी खड़े हैं। परंतु ये बताइए, बिल्कुल वीरेंद्र चौहान जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन खुद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी जांगड़ा साहब, आपने ये कहा खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन को लेकर के धरना प्रदर्शन का राजनीतिकरण हो चुका है, खिलाड़ियों को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप पूरी बात अपनी कहिए, खिलाड़ियों को जो भी आप संदेश देना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई इनका समर्थन करने नहीं पहुंच रहा है। हाँ, मैं उस समय भी मैंने यही बात कही थी, देखिए खिलाड़ी जो खेलता है वो देश के लिए खेलता है, जो सैनिक जो लड़ता है वो देश के लिए लड़ता है, खिलाड़ी और सैनिक ये देश की धरोहर होते हैं, इनको किसी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में आके और अपनी उसके अंदर राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए जी। और ये हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ कांग्रेस के लोग ही जा रहे हैं, या भूपेंद्र हुड्डा गए हैं, या उसके लड़के दीपेंद्र हुड्डा गए हैं, या और कोई गया है, और खिलाड़ी भी वो तीन ही है मेरी समझ में, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और वो बजरंग पूनिया, चौथा तो हमने कभी देखा भी नहीं है कोई खिलाड़ी। तो मेरा तो सुझाव ये है कि इसमें खा पंचायतों को भी इन्वॉल्व लेकर के एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बनाना नहीं चाहिए, और सरकार ने जितना प्रोत्साहन खिलाड़ियों को मेरी समझ में बीजेपी सरकार ने दिया, इतना तो किसी ने दिया भी नहीं है। लेकिन अगर कोई उनकी ये आपत्ति है भाई, कोई जैसा उन आरोप लगा रहे हैं के सेक्सुअल हरासमेंट का या और किसी, वो जांच का विषय है, उसके लिए जिन पर आरोप लगाया उन्होंने भी ऑफर कर दिया भाई मैं भी नारकोट के लिए तैयार हूँ, आप करवाइए बेशक। तो फिर जो बात जांच का विषय वो हो जाएगा, खिलाड़ियों के प्रति हमारी हमदर्दी है, सरकार उनके साथ है, कोई नहीं, लेकिन राजनीति जहाँ होती है वहां फिर सोचना पड़ता है। नहीं, रामचंद्र जांगड़ा जी, आपने सुना तो होगा खिलाड़ियों को, खिलाड़ी क्यों फिर से धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जनवरी में बैठे थे, उसके बाद अब एक महीना हो चुका है बैठे हुए, तो इस बार कोई ऐसा एफर्ट्स सरकार की तरफ से, ना केंद्र सरकार की तरफ से दिखाई दिया, ना बीजेपी के नेताओं का कुछ इस तरीके का कोई उनको समर्थन मिला है, तब जाकर के उन्होंने तो पहले तो राजनीतिक दलों से किनारा किया था जब पहली बार वो धरने पर गए, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मजबूर हुए खिलाड़ी, इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वो कितने साल की बात करते हैं ये, मैं ये भूपेंद्र हुड्डा का जो लड़का है अपने, दीपेंद्र हमारा माननीय राज्यसभा सांसद है, लंबे समय तक इसका अध्यक्ष रहा है कुश्ती संघ का, तो उनको कोई अनियमितता नहीं दिखाई दी कभी भी वहां पर है। नहीं, अब तो शायद तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह का। हाँ, वो भी लंबे समय तक रहा है दीपेंद्र जी, तो कहीं कोई, लेकिन जो ये गंभीर आरोप लगे हैं सर, ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, और इसीलिए गंभीर आरोपों को लेकर के अब वो धरना प्रदर्शन पर बैठे, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, फिर उसने ऑफर कर दिया है ब्रजभूषण ने कि ठीक है मेरा नार्को टेस्ट करवाइए, तो कर दिया है। नार्को टेस्ट करवाने की जिम्मेदारी, क्योंकि इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो कहीं ना कहीं सरकार पर आ जाती हैं, जब वो पुलिस के पास गए, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई, और जांच में भी कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जांच पड़ताल हो रही है, कोई पूछताछ की जा रही हो, कोई गहनता से इस मामले को ले रही हो दिल्ली पुलिस। एक इलेक्टेड मेंबर है हाउस के, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं जी, और चलो हम तो राज्यसभा में हैं, वो तो इलेक्टेड हैं अपने इलाके में, लोकसभा के मेंबर हैं, हैं? एक उसका भी स्टेटस होता है जिसको इतनी बड़ी जनता चुन के भेजती है, तो इनको उसमें क्वालिटी होती है, तो ऐसे आरोप में एकदम ही किसी के आरोप पर यकीन कर लेना तो वो भी तो बात जचती नहीं है ना। तो वो सारी बातें जांच का विषय है, जांच करने के लिए सारी एजेंसियां तैयार हैं, अगला भी ऑफर कर रहा है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ खिलाड़ी अपना तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, आगे के लिए देश के लिए मेडल लेने की तैयारी करें, और कोई कहीं मैं नहीं कहता वह किसी के साथ कुछ हुआ भी हो तो उसके लिए बहुत कुछ सिस्टम है जांच का, अपराधी कोई बख्शा नहीं जाता, कभी भी कोई बचता नहीं है, तो उसमें वो बैठ के वहां जो राजनीतिक लोग किस किस्म के जो पहुंच रहे हैं
वो राजनीतिकरण ठीक नहीं है, खिलाड़ियों को नहीं उसमें बीच में लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और ये रामचंद्र जी, खास मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की यार तरफ ये से तो आरोप खास लगाया जा रहा है, पंचायतों का ये विषय थोड़ा है। नहीं, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि अपने बीजेपी सांसद के साथ है, नहीं नहीं इस पर आप क्या नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में कोई अपराध करके बीजेपी उसके साथ हो जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपराध करने वाला चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी के लोगों को कोई छूट नहीं दे रखी है। हमारा पूरा सिस्टम, पूरा संगठन, पूरा प्रधानमंत्री जी का सिस्टम हमेशा पारदर्शी रहता है और न्याय प्रिय रहता है। कभी ये नहीं होता भाई बीजेपी का है तो उसको सारी छूट है, कभी ये नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी हर चीज के प्रति सख्त रहते हैं, पूरा संगठन भी हर चीज के प्रति सख्त रहता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामचंद्र जांगड़ा जी, बेहद शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े, समय निकाला और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केवल ढिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता है, वीरेंद्र चौहान हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी बने हुए हैं। केवल ढिंगरा जी, आपने सुना खुद रामचंद्र जांगड़ा से मैंने आपका सवाल जो आपने उठाया वो पूछा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को कोई इस तरह की छूट नहीं, अगर किसी ने अपराध किया तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो ऐसे में राजनीति करने की क्या जरूरत। ये जो दोहरी चाल है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की, ये लोग समझने लग गए अब। ये अब जो ये शरारत के तहत पे जो जो कांग्रेस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये अब लोग समझने लग गए। ये इल्जाम कांग्रेस पे लगा रहे हैं, ये तो कल बच्चों पे भी लगाने लग जाएंगे। जिन बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है, जिनकी FIR दर्ज होने के बावजूद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुई है, इनके कहने से नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला तो इन्होंने डरते हुए कहा कि हम FIR दर्ज कर लेंगे। FIR दर्ज कर ली लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करी उसके ऊपर। आज करीबन करीबन 28 पिछले महीने अप्रैल की 28 तारीख को FIR दर्ज हुई है। आज देखिए एक महीना क्रॉस हो रहा है, एक महीने को होने जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं इन लोगों ने उस आदमी को, अगर किसी और आदमी के ऊपर पोस्को एक्ट लगा होता ना तो अभी तक वो जेल में होता, लेकिन ये लोग अपने बीजेपी के MPओं को बचाने लगे हुए हैं। अभी कह भी रहे थे ये बात कि वो चुना हुआ MP है, लोगों द्वारा चुना हुआ है, ऐसे कैसे उसको अंदर कर देंगे। अरे भाई अगर दूसरा कोई MP होता, यही यही कोई और किसी ओपोजिशन का MP होता, उठा के अंदर भी किया होता और उसकी उठा के धुलाई भी करी होती इन्होंने, और ये कहते अपने आप को TV पे भी छुपवाते कि हमने देखा इस आदमी को अंदर भी किया और इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई भी करी, लेकिन अपने आदमियों को बचाने का काम कर रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी नतमस्तक है, वीरेंद्र चौहान जी शरण चुंबक की तरह नतमस्तक है ब्रजभूषण शरण सिंह के नीचे। वीरेंद्र चौहान जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से केवल ढिंगरा जी की तरफ से जो बात उठाई गई कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस तरह की स्थिति दिखाई भी देती है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है उसके बाद तो FIR होती है, तो क्या यही वजह है कि पुलिस का दुरुपयोग। चैनल पर 2500 बार ये बात साफ की जा चुकी है और मुझे आपकी बात पर भी आज हैरत हो रही है। आपको किसने कहा कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई? जिस जो शिकायतें 10 साल के अंतराल की हों, 8-10 साल के उस पर फैली हुई हों, जिन शिकायतों का संबंध देश के अलग अलग हिस्सों से हो, उन शिकायतों की जांच में पड़ताल में क्या कोई जादू काम करेगा? क्या कोई जादू की छड़ी काम करेगी? जांच करने में लोगों को जो वहां पर मौके पर मौजूद लोग रहे होंगे जिस तरह की शिकायतें हैं, बिल्कुल हजारों लोगों के उनके बयान बिल्कुल भी आप भी बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, केवल ढिंगरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच अभी जारी है, देखने वाली बात होगी कि आगे आगे और क्या कुछ इस मामले में होता है। चलिए रुक कर लेते हैं।